अच्छा अगर हम लोग को इसका क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करना है, एक पेन पेंसिल हाथ में ले लेना, सो दैट जिस जिसका एडजस्टमेंट दिया उसके आगे टिक कर सके, और जिस जिसका एडजस्टमेंट हो जाएगा उसके आगे भी हमें टिक करना होता है। ठीक, देखो पेज नंबर 4.79 पे आओ, इलस्ट्रेशन 2। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड। 2 साल की बैलेंस शीट दी है और लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपए के डिबेंचर्स को अगर हम 9 रुपए पे इशू करें, या कह लो 100 रुपए के डिबेंचर्स को 90 पे इशू कर रहे हैं, तो नो डाउट हमें 10 रुपए का लॉस हो रहा है ना, तो वो लॉस राइट ऑफ करने की बात कर रहा है। तो हम किसका लेजर बना लेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या किसी और का एडजस्टमेंट दिया है? नहीं दिया है। ठीक, तो उसके अलावा हम आप लोग को बताए हैं कि आप लोग को कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, कौन कौन सा लेजर बनाना है। तो एज पर क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ पीएल अकाउंट दिया, तो हम पीएल एप्रो बना लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैसे। अगेन हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि क्वेश्चन में फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। इसका नाम देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है ना, अजय लिमिटेड, अजय लिमिटेड। ठीक है, जितना मेरे पास एक्सट्रैक्ट दिया, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है बेटा, एक्सट्रैक्ट मतलब जब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, तो जब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट की है, तो इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कैसा बनेगा, एक्सट्रैक्ट है ना। दैट इज जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। जब पूरी इन्फॉर्मेशन देगा तो हम बनाते पूरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर्मेट अपने को याद है? हाँ मैम, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। हम लोग कितना कॉलम बनाएंगे? हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा कैश फ्लो तो बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा है कि कैश फ्लो का सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही बना सकते, रीजन बीइंग कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन में देखो ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश कैश इक्विवेलेंट भी नहीं दिया हुआ है, तो एक कॉलम हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट बनेगा बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का बना रहे हैं लेजर, तो एक एडिशनल लेजर हम लोग बना लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिबेंचर्स का, क्योंकि कई बार जो बैलेंसिंग फिगर है वो इसमें आती है। तो 15% डिबेंचर्स अकाउंट हो जाएगा, एंड एक हमने जो बोला था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि भैया हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर कर लें, डिस्काउंट का 90,000 और 115,000 है। बाई बैलेंस बी डी 90,000, सॉरी टू बैलेंस बी डी 90,000, बाई बैलेंस सी डी 115,000। एकदम रफ बना सकते हैं, रीजन बिंग वर्किंग नोट है। डिबेंचर्स का ओपनिंग क्लोजिंग देखो 5 लाख और 7,50,000, तो बाई बैलेंस बी डी 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया बेटा टू बैलेंस सी डी 7,50,000। क्लियर? पीएल एप्रो का हमने पहले बोला था कि वो पीएल के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, 50,000 और 90,000 दिया है, तो बाई बैलेंस बी डी 50,000 और टू बैलेंस सी डी, ठीक है 90,000 बना लिया। अब एक एक करके क्लोज करेंगे ना। देखो डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या एडजस्टमेंट दिया है, कह रहा है कि हम 10,000 अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ कहाँ करते हैं? पीएल में करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटन ऑफ है ना, कितना 10,000। अब इसको बैलेंस कर दें, तो बैलेंस करने के लिए देखो 115,000 और 10,000, 125,000 है, इधर भी तो 125,000 होना चाहिए। ये 125,000 लिखने की जरूरत नहीं है, रफ है तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट हम पहला क्वेश्चन करें इसलिए लिख रहे हैं। तो बैलेंसिंग फिगर 35,000, क्योंकि ये डिबेंचर से रिलेटेड है, तो इसका बैलेंस हम कहाँ डालेंगे बेटा, 215% डिबेंचर्स अकाउंट, यही ना कर सकते? क्यों? क्योंकि मेरे पास और कुछ इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि इस साल जो डिबेंचर्स इशू हुए हैं इसका क्या मतलब है
कि इस साल जो डिवेंचर्स इश्यू हुए हैं उसमें आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 35,000, तो 7,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है, 5,00,000 ओपनिंग था और 35,000 का डिस्काउंट है, तो करंट ईयर में अगर देखा जाए तो 2,15,000 का हमने फर्दर इश्यू किया होगा बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर आएगा। हमने क्या बोला, हमने ये चीज बोली कि भाई अगर डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स का बैलेंस 35,000 आ रहा है तो वो 35,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट ईयर में जो हमने डिबेंचर इशू किया था उस पर कितना डिस्काउंट था या उसको हमने कितने डिस्काउंट पे इशू किया, 35,000, इसका मतलब फर्दर इस करंट ईयर में हमने कुछ ना कुछ डिबेंचर इशू किया है, तो वो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो 2,15,000, क्लियर। और पीएल आप्रो का अगर क्लोजिंग बैलेंस देखो तो देखो आ रहा है बाई नेट प्रॉफिट, और जो भी आपने बैलेंस निकाला है बस उसमें लिख देना बाई बैलेंसिंग, मतलब इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर, हो गया, बन गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे बेटा, ऑपरेटिंग से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और जो जो ट्रीटमेंट करते जाएंगे उसके आगे टिक करते जाएंगे। हमने पहले बताया था कि अगर हम पैटर्न नंबर 2 पे हैं तो हम हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किससे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, तो हम किससे शुरू करेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट से। और क्वेश्चन में टैक्स वैक्स के बारे में नहीं दिया तो सीधे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा, 40,000। हमने बताया था कि इसमें हम तीन एडजस्टमेंट करते हैं, नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम एंड अब नॉर्मल आइटम। अच्छा, तो अगर हम बात करें नॉन कैश आइटम की, देख लेते हैं। नॉन कैश आइटम मतलब हम बताए थे जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह दिया हो या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल दिया हो या राइट ऑफ दिया हो, तो राइट ऑफ तो दिया है डिस्काउंट का, और उसके अलावा देखो क्वेश्चन में गुडविल दिया है और गुडविल पहले 1,15,000 था फिर घट करके 90,000 हो गया, तो यहाँ पे गुडविल आपका राइट ऑफ होगा ना 25,000 से, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे थे। गुडविल अमोर्टाइजेशन 25,000, क्योंकि एक्चुअल में क्या यहाँ कोई कैश आउटफ्लो हुआ है, नहीं हुआ है। नेक्स्ट, उधर जो हम डिस्काउंट राइट ऑफ कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ स्पेस है, रिटर्न ऑफ, हम लिखते हैं कि हम पीएल में राइट ऑफ करें, बट क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ कैश आउटफ्लो जैसा यहाँ पे होता है, नहीं होता है। आगे देखो क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या, ये तो नॉन कैश आइटम हो गया, अब नॉर्मल आइटम दिया नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम की बात कर ले तो हमने बोलता अगर हम इंटरेस्ट पे करें या इंटरेस्ट रिसीव करें तो वो होगा। अब देखो डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स पे नो डाउट हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा, भले हमने पेमेंट नहीं किया, क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है, क्वेश्चन में देखो बोला है कि अनपेड इंटरेस्ट कितना है 5,000, इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट पे किया होगा, है ना। और इसमें हम कितना दिखाते हैं, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जितना करंट ईयर का खर्चा है वो पूरा दिखाते हैं, मतलब ओपनिंग डिबेंचर्स कितना है 5,00,000, 5,00,000 पे 15% कितना हो गया बेटा 75,000, 75,000 वो हमने इस साल के पीएल में दिखाया होगा टू इंटरेस्ट के नाम से, कितना 75,000, ठीक। उसमें से कितना पे किया कितना नहीं वो अभी फिलहाल मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है बैक कैलकुलेशन करके वो सारे आइटम्स हटाना जो कि किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस किया होगा ना इंटरेस्ट को, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि ये याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी करंट ईयर का खर्चा है वो हम पूरा दिखाते हैं, भले वो रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, भले पे हुआ हो या ना हुआ हो, ये हम तुम लोग के समझने के लिए लिख रहे हैं कि 5,00,000 का 15% है, दैट इज 75,000, ठीक। देख लो असेट साइड का तो दोनों हो गया, टिक कर लो, और लाइबिलिटी साइड में सिर्फ यही चीज आ सकती थी और कुछ नहीं आ सकती, ऐड कर लेते हैं, ठीक। इसके अलावा देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कोई करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दिया है, नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा ना, हाँ मैम ये हो जाएगा, क्लोज कर दे इसको यहीं पे, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्वेश्चन में अगर असेट साइड देखे तो गुडविल हो गया, डिस्काउंट हो गया, वैसे लाइबिलिटी साइड देखो पीएल का भी इम्पैक्ट हमने दिखा दिया, अच्छा डिबेंचर्स बचा है, शेयर कैपिटल बचा है, क्या और कुछ बचा है, नहीं बचा है, इसका मतलब अब हम किसकी बात करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो आ जाओ यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। इन्वेस्टिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, फाइनेंसिंग में देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल तो एज इट इज है तो कोई चेंज नहीं हुआ,
डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स वैसे भी हमने वहां पे लिखा हुआ है कि कितना फर्दर इश्यू हुआ है, 2,15,000 का इश्यू हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमने पहले ही बोला कि जब आप लेजर बनाते हो तो लेजर बनता है फॉर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, और वहां से मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्लियर। इसके अलावा हमें पता है कि हमने इस साल इन पे इंटरेस्ट पे किया है, बट इंटरेस्ट में कुछ इंटरेस्ट अनपेड था। अब खुद सोचो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, कैश फ्लो की। जितना पैसा आ रहा है जा रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट था कितना, 75,000, उसमें से अनपेड कितना है 5,000, इसका मतलब आउटफ्लो कितने का हुआ है, सिर्फ 70,000 का, क्लियर है। बाकी देखो और कहीं कुछ दिया है नहीं, ये हो जाएगा 1,45,000, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। होपफुली क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास और कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने एक्सट्रैक्ट बना दिया। और हम पहले ही बता दिए कि अगर तुम लोग पेन पेंसिल लेके बैठे हो, सब कुछ इसमें ऑलरेडी टिक हो जाएगा, इसका मतलब सबका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। इसको नोट डाउन कर लो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। चलो बाजो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन 2 हो गया है। इसके बाद सीधे इलस्ट्रेशन आओ 7 पे। देखो इलस्ट्रेशन 7, हाँ इलस्ट्रेशन 7 पहले ऊपर ऊपर देखो, दो बैलेंस शीट दिए, हाँ मैम दिए, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, हाँ दिया है। तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा, पैटर्न 2। चलो अप्लाई करते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कह रहे थे बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 एंड 2010। देखो ऊपर ही क्लैरिफाई कर दे रहा है कि पहले वो करंट ईयर लिया है, फिर वो पास्ट ईयर लिया है। वेयर समराइज्ड एज फॉलोज, ठीक है पेज टर्न कर रहे हैं। लिखा है द पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 डिस्क्लोज। पीएल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है। अब हमें किससे मतलब है, अब हमें मतलब है फर्दर इन्फॉर्मेशन से। फर्दर इन्फॉर्मेशन में सिर्फ फिक्स्चर्स की और व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी हम अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो किसका किसका हमें लेजर बनाना है, फिक्स्चर्स का बना लें, हाँ मैम बना लीजिए, व्हीकल्स का बना लो क्योंकि इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। और क्वेश्चन में किसका किसका बनेगा, स्टार्टिंग में देखो पीएल अकाउंट दिया है तो पीएल अप्रो बनेगा, टैक्सेशन दिया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगा, डिविडेंड पेबल दिया है तो डिविडेंड पेबल अकाउंट बनेगा। और क्या कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि किसी का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हम कैश फ्लो बना दे रहे हैं और उधर हम नेसेसरी लेजर बना देंगे। चलो स्टार्ट करें, सन लिमिटेड है, इलस्ट्रेशन कौन सा है बेटा, 7। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीन कॉलम बना लेंगे क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी है। और यहां क्या बनाएंगे बेटा, वर्किंग नोट 1। पहला वर्किंग नोट किसका बनेगा, पीएल अप्रो का। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, पहले ही बोले कि बहुत कमी स्पेस मेरे को चाहिए। और रफी बनाएंगे, उसको बैठ करके पूरा ड्रॉ मत करने लगना क्योंकि कोई फायदा नहीं है। वर्किंग नोट मतलब वर्किंग नोट बिल्कुल रफ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मतलब चार चार लाइन मैक्सिमम। डिविडेंड पेबल और क्या बोला था, फिक्स्चर्स बोला था और व्हीकल्स बोला था। इन दोनों का क्योंकि एडजस्टमेंट दिया है इसलिए बना रहे। व्हीकल यहां बनाएंगे, ठीक।
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इधर ना चल के पहले वर्किंग नोट कंप्लीट कर ले, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो वर्किंग नोट में पहला तीन कनेक्टेड है, पहला तीन बना ले। ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग, और अच्छे से देखना प्लीज, ओपनिंग जो दिया है वो बाद में दिया है और पहले क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है। तो प्लीज यहाँ कंफ्यूज मत होना बच्चे, क्योंकि तुम लोग एग्जाम में जल्दी जल्दी में ईयर नहीं देखते हो, तो पहले ऊपर प्लीज देखना कि कौन सा ईयर पहले दिया है। टैक्सेशन में देखो, बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। नेक्स्ट डिविडेंड पेबल की बात कर लेते हैं, 1000 2000। पहले हम लोग इन्हीं तीन की बात करेंगे और उसके बाद फिर फिक्स्चर्स और व्हीकल्स पे आते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन की बात करें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की और डिविडेंड पेबल की, तो हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर लिया है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ड्यूरिंग द ईयर कुछ दिया है क्या, पीएल अकाउंट जहां बना है उसमें लिखा है कि प्रोविजन प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 4500 है, और टैक्सेशन कितना माइनस करें, 1500। तो हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो हम लोग माइनस करेंगे, ये जो 1500 है, वैसे तो ये क्लोजिंग अमाउंट ही है, ये किसको रिप्रेजेंट करा है, ये रिप्रेजेंट करा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को। तो इसका मतलब बाई पीएल कितना हो जाएगा, 1500। ठीक, उसके बाद देखो डिक्लेयर्ड डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड पेड नहीं लिखा है, डिक्लेयर डिविडेंड मतलब बाई पीएल एप्रो कितना दिया है, 2000। और ये यहां लिख देंगे कि इतना डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर्ड हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था स्टार्टिंग में, और तो कुछ दिया नहीं है इसके बारे में, और कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिया। क्लोज कर दो, अगर इसमें देखो तो बैलेंस कितना आएगा, 1000 आएगा, मतलब स्टार्टिंग में जितना बैलेंस था हमने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर उसको पे कर दिया। ठीक, डिविडेंड पेबल की बात करो, सेम, बैंक अकाउंट कितना आएगा बेटा, 1000, मतलब ओपनिंग बैलेंस को हमने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और इसका देखो जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, बाई नेट प्रॉफिट, और कुछ दिया ही नहीं है, बैलेंसिंग फिगर 5 6 7, तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें होपफुली आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो फिक्स्चर्स और व्हीकल्स भी बना लेते हैं। फिक्स्चर्स देखो, फिक्स्चर्स में ना कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे हम तुम लोग के लिए व्हीकल्स बनाते हैं, क्योंकि व्हीकल्स में काफी सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं, और फिक्स्चर्स यहाँ कर लो, मेरे पास स्पेस कम थी और हमें इसको रब नहीं करना है, इसलिए हमने बनाया। फिक्स्चर्स का ओपनिंग क्लोजिंग देखो बेटा कितना है, 11000 और 17000। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें व्हीकल्स की, तो 8000 और 12500, 8000 दिया है ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, 12500। क्लियर, अब पहले इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर हम लोग देखें फिक्स्चर्स का, तो फिक्स्चर्स का बोला कि डेप्रिसिएशन कितना है, 1000 है, तो ये हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन, और ये कौन सा आइटम हो गया, नॉन कैश आइटम, याद होगा ये नॉन कैश आइटम है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कर ले, टू बैंक क्या हो जाएगा, परचेजेस, उधर 18000 है, मतलब 7000 की परचेजेस होगी, ये लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ जाओ व्हीकल्स पे, व्हीकल्स पे बोले कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 2500 है, तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, पीएल में, क्योंकि नॉन कैश आइटम है। इसके अलावा कह रहा है कि आपने 1700 का कोई असेट, मतलब जब असेट बेचा तो आपको प्रोसीड कितना मिला, 1700 मिला, मतलब पैसा कितना मिला, 1700 बाई बैंक, ये क्या हो जाएगा, सेल 1700, और ये जो 1700 आपने बेचा है इसकी WDV कितनी थी, 1000, मतलब 1000 का सामान हमने बेचा 1700 पे, तो हमें 700 का फायदा हो गया, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर, बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, टू बैंक अगेन परचेस। देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो जल्दी से सब, 15 16 16700 माइनस 8700, 8000 आना चाहिए, हो गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या बना लेंगे बेटा, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट।
क्योंकि वही सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, चाहे तुम लोग नॉन कैश आइटम की बात करो, चाहे अब नॉर्मल आइटम की बात करो, चाहे किसकी बात करेंगे, बात कर लेंगे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आ जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। याद होगा हमने क्या बताया था कि इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे, सेकेंड पैटर्न है इनडायरेक्ट मेथड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने कितना प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उधर, 3000 किया था, और हमने बताया था इसमें ऐड करते प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1500 है। कोई दिक्कत? ये आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में 45। अब इसमें तीन चीज एडजस्ट करनी है, नॉन कैश एडजस्ट करना है, अब नॉर्मल एडजस्ट करना है, और नॉन ऑपरेटिंग एडजस्ट करना है। तो नॉन कैश आइटम कहीं से नहीं मिलने वाला है, इसी से मिलने वाला है। नॉन कैश मतलब जर्नली देखो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन 2500 और वो डेप्रिसिएशन 1000। तो यहां लिख दे एड डेप्रिसिएशन 2500 + 1000 कितना, 3500। ठीक, उसके अलावा देखो व्हीकल और फिक्चर्स में, व्हीकल की बात कर लेते हैं, तो हमने जब सेल किया था हमें प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है, मतलब अब नॉर्मल गेन है। अब नॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं बेटा, लेस करते, नाम से लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल। 700 का बेनिफिट था, फायदा था, वो यहाँ लिखा। और कुछ जाएगा क्या? नहीं मैम, इसमें से तो नहीं जाएगा। बुक में देखो, बुक में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास अब क्या बचा, फिक्स्ड एसेट्स बचा, क्योंकि अदर एसेट्स का अमोर्टाइजेशन भी हो सकता है, बट फिक्स्ड एसेट में हमारे पास प्रमाइसेस है, फिक्चर्स है, व्हीकल्स है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसमें और कुछ जाएगा? नहीं मैम, इसमें और कुछ भी नहीं जाने वाला। टोटल कर ली 8, ये क्या जाएगा, याद होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हम कह रहे हैं बार बार कि हम लोगों को फॉर्मेट को लेकर के बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट आता है मैम, और करंट लायबिलिटी आता है। चलो देख लेते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या, उसके लिए कभी लेजर बनाना होता है? नहीं। करंट लायबिलिटी में देखो, करंट लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल दिया है, हमने पहले बता दिया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और डिविडेंड पेबल हम इसका पार्ट नहीं मानते। अब ट्रेड पेबल देखो, पहले 2500 था, बाद में 4000 हो गया, मतलब और 1500 रुपये हमें मिला है। तो हम यहाँ पे क्या करें, ऐड कर दें इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 1500, हमने लर्न भी करा दिया था इसको। अब आओ करंट एसेट पे, करंट एसेट में इन्वेंट्री है, पहले 14000 थी, अब 17000, तो 3000 आपने ब्लॉक किया, ब्लॉक किया तो क्या हो जाएगा, लेस, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, भाई 3000 रुपये हमने और ब्लॉक कर लिए। नेक्स्ट देखो ट्रेड रिसीवेबल, पहले 6000 था, अब 8000 है, मतलब 2000 रुपये हमें और अभी फ्यूचर में मिलेगा, तो हमने ब्लॉक किया ना, डिक्रीज इन, सॉरी यहाँ डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है ना, इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, भले ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, हमने अपना पैसा फंसाया। क्लियर? अब देखो ये टोटल कितना आ रहा है, 7300 प्लस 1500 माइनस 5000 आ जाएगा 3800। क्या ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है? नहीं, ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या लेस करते हैं, बिफोर टैक्स, जो भी टैक्स हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, और ये हमें कहाँ से मिल जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से मिल जाएगा, कि 1000 रुपये का हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आया 2800 का, ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ठीक है, और जो जो आइटम हो गया है हम लोग जिस जिसको कंसिडर कर लिए उसको टिक कर लेंगे, यहां तक बना लो, उसके बाद हम इसको रफ करके फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग बनाएंगे। चले आगे। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, तुम लोग उसकी कंटिन्यूटी में बनाना, इसकी कंटिन्यूटी में ही तुम लोग बनाओगे, हमें सिर्फ ये 2800 से ही मतलब है, हम इसको याद रखेंगे। हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
इन्वेस्टिंग मतलब याद है मैम कि बैलेंस शीट में आप जाइए और फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए। फिक्स्ड एसेट में तीन ही है, प्रमाइसेस, फिक्स्चर्स और व्हीकल्स। तो जो ट्रीटमेंट होगा वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड होगा। व्हीकल्स में देखो सेल भी है परचेज भी है, फिक्स्चर्स में परचेज है। तो पहले ये डाल दें, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल्स, हमने लिखने का तरीका भी बताया था, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्चर्स, जितना जितना अमाउंट है लिख देंगे। अगर हम सेल की बात करें तो सेल हुआ 1700 का तो इतना पैसा मेरे पास आएगा, परचेज हुआ 8000 का तो इतना कैश आउटफ्लो हो रहा है, और उधर सेल परचेज हुआ है 7000 का तो इतना कैश आउटफ्लो होगा। इसके अलावा देखो बुक में मेरे पास दिया हुआ है व्हीकल्स, तो हो गया फिक्स्चर्स हो गया। प्रमाइसेस देखो, फिक्स्ड एसेट में मेरे पास प्रमाइसेस दिया, तो प्रमाइसेस तो एज इट इज है तो वो तो जाएगी नहीं, ठीक है मैम। प्रमाइसेस, फिक्स्चर्स और व्हीकल्स के अलावा तो कुछ दिया नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो कैश कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 15000 में सब 1700 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 13300। ये जो 13300 है बेटा ये नेगेटिव बैलेंस है ना, तो हम यहाँ क्या लिखना सिखाए थे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना पैसा मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूज हो गया, ठीक है, क्लियर? हाँ मैम क्लियर। और अगर अब तुम लोग देखोगे ना तो व्हीकल और फिक्स्चर्स का मेरा काम खत्म हो गया, हम ऑलरेडी सब कुछ डाल चुके हैं। अब कौन सी बची, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम लोग को बैलेंस शीट का कौन सा पार्ट लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, लो, नॉन करंट लाइबिलिटीज, बस इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड अगर देखो कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, कितना, पहले 50000 था अब 60000 हो गया, तो 10000 बढ़ रहा है। देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्या हो जाएगा बेटा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10000। देखो क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या, और उसके अलावा देखो मेरे पास डिविडेंड पेमेंट में दिया हुआ है ना कि डिविडेंड हमने पे किया 1000 का, तो ये भी मेरी कौन सी एक्टिविटी थी, फाइनेंसिंग। तो ये हो जाएगा बेटा 9000, और ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक। अब हमने बताया था कि तीनों एक्टिविटीज को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे पहले 2800 था, 2800 ऐड था 9000 माइनस 13300, तो मेरा ये आ जाएगा 1500। पर ये 1500 क्या है बेटा, नेगेटिव बैलेंस है ना, तो यहाँ लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, बैंक दिया है, कैश दिया और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया जो कि मानेंगे कि मच्योर हो रही है विद इन 3 मंथ्स। इसमें ऐड क्या करोगे बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। देखो बिगनिंग ऑफ द ईयर में कितना दिया है क्वेश्चन में, देख लेते बुक में, बैंक एंड कैश दिया 8500 और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया 1000, तो ये हो जाएगा 9500। और ये जो मेरे पास बैलेंस बचेगा बेटा ये क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना होना चाहिए, ये 8000 होना चाहिए। देखो क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना दिया है, 6000, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया 2000, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 8000, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या लिया है, बैंक, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको अलग से कहीं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट था ये। होपफुली तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, इलस्ट्रेशन 8, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन में इस तरह से डिटेल्स दी रहती है ना, इसका मतलब कि उसने ऑलरेडी नेसेसरी लेजर्स ड्रॉ कर लिया, और नेसेसरी लेजर्स के जितने भी एडजस्टमेंट हम लिखते हैं यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी इस स्टेटमेंट में दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई नेसेसरी लेजर नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्टली हम लोग क्या बना सकते हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो कह रहे मेसर्स ज्योति ऑफ स्टार ऑयल्स लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001। हाँ 1 ले लो, 11 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं।
फॉर्मेट हम सबको पता है, अगेन याद रखना इसमें तीन कॉलम मेरे को चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 और 2011 आपके पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी है। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2011 इन अकॉर्डेंस विद AS3, मेक नेसेसरी अजम्पशंस, आपको अपने अकॉर्डिंग अजम्पशंस लेने हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ते जाएंगे कौन कौन सा आइटम जो हमें ढूंढना है। जैसे जब ऑपरेटिंग बनाएंगे तो नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, अब नॉर्मल ढूंढ करके लिखते चलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको सबसे पहले हम लोग को शुरू करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। देखो मेरे पास नेट प्रॉफिट दिया है, क्या मेरे पास कहीं टैक्स दिया है? हाँ मैम दिया है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाए, प्रोविजन फॉर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट तुम्हारा कितना है 25,000 आफ्टर टैक्स, और 5,000 तुम्हारा क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वही तो लेते हैं, हो गया 30,000। और तुरंत के तुरंत क्या करना, नेट प्रॉफिट को टिक कर देना एंड प्रोविजन जो दिया है इनकम टैक्स को टिक कर देना, क्योंकि इसका कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं होना। इनकम टैक्स पेड तो बाद में माइनस करते हैं। अब देखो स्टार्टिंग से देखते चलेंगे और इसमें एडजस्ट करते चलेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अब नॉर्मल है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अब नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट उसको टिक कर लो, बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड यहां नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन 20,000 आएगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस कितना है बेटा 20,000, ऐड कर देंगे और यहाँ टिक कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, अब नॉर्मल गेन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, ये अब नॉर्मल गेन। कितना अमाउंट दिया है 100, माइनस कर लेंगे ना। उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, यहाँ से मतलब नहीं है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब है। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग है, ऑलरेडी एडजस्ट किया गया होगा, तो हम क्या करेंगे लेस करेंगे ना, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कौन सी, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बेटा 2506, ठीक। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर कितना है 10,000 आई गेस। क्वेश्चन में देखो ये भी दिया है कि इंटरेस्ट कितना पे किया ड्यूरिंग द ईयर, पर हम लोग को पता है कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ड्यूरिंग द ईयर वाला लिखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सपेंस होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, कितना पे किया है वो थोड़ी लेते हैं। पेमेंट में तो हो सकता है पिछले साल का भी पेमेंट किया आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ 10,000 हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ टिक करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी डबल एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। आगे देखो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिया और उसके आगे का जितना भी ट्रीटमेंट दिया वो रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग है, बस हो तो गया। यहाँ हम सबको ऐड कर देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा ईजी होता है। 40 + 10,000 -2606 ये हो जाएगा 57434, ये क्या आएगा हम लोग को याद है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। पूरा पूरा लिखना प्लीज, आधा अधूरा मत लिखना। इसमें देखो लिखा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है बेटा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये बढ़ गया मतलब करंट एसेट बढ़ा होगा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, वर्किंग कैपिटल बढ़ना मतलब बट ऑब्वियस आपका करंट एसेट ज्यादा रहा होगा, बढ़ा होगा, तो अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब आप पैसा ब्लॉक कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा लेस, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, हम ये चीज लिखवाए भी थे। और इसमें देखो एक्सक्लूडिंग है कैश एंड बैंक बैलेंस, वो तो हमें पता है, वो नहीं भी बताता तो भी पता है कि एक्सक्लूड ही करना है। माइनस करो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा बेटा 1353। क्या क्वेश्चन, यहां तक खत्म, ऑपरेटिंग तक नहीं, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, इसमें से क्या माइनस करेंगे
टैक्स पेड, देखो एकदम स्टार्टिंग में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बाद ही टैक्स पेड दिया हुआ था कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना टैक्स पे किया है, 4248। नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा ना, देखो नेगेटिव कितना बैलेंस आ रहा है, -4248, ये आ रहा है 2895। ये 2895 क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? हाँ क्लियर। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग पे, जो कि हम वहां पे बना रहे हैं, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए। तुम लोग इसके साथ नीचे ही कनेक्ट कर लेना, तुम लोग अलग पेज पे बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहला क्या लेंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिर स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास लॉस ऑन सेल ऑफ असेट था एंड बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड। कितने का असेट बेचे हो, बुक वैल्यू है 185, लॉस पे बेचे हैं 40। इसका मतलब कि प्रोसीड कितना मिला होगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ असेट भाई वो 185 का था, 40 के लॉस पे आपने बेचा, मतलब आपके पास कितना पैसा आया होगा, 145। वैसे ही देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट बेच के भी तो पैसा मिला है, उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 27765 और 100 रुपये का फायदा हुआ, इसका मतलब बेचा होगा 27865। इसमें होपफुली कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब देखो हम लोग सारी के सारी फिगर्स जो ऊपर दी है उसको भी टिक कर देंगे, सो दैट कहीं पे भी कुछ स्किप ना हो जाए। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट था वो लिख दे, और इंटरेस्ट इनकम हम कब लिखेंगे बेटा, जब हम ये मानेंगे कि ये रिसीव हुई है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम तब हम लोग इंक्लूड करते हैं जब हम अज्यूम करते हैं कि हमने इसको रिसीव किया है। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये रिसीव हुई है या नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अज्यूम्ड रिसीव्ड। हम क्या मान रहे हैं कि इसको रिसीव किया गया, और क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था कि आप नेसेसरी अजम्पशन ले सकते हो, तो इंटरेस्ट इनकम भी हम टिक कर दें। हाँ मैम टिक कर दीजिए। अब देखो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है, ये दिया है बेटा 14560, माइनस कर देंगे। उसके बाद देखो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, ये भी असेट है, तो पेमेंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया है बेटा, 34740। क्लियर? और कुछ दिया है क्या? अच्छा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स मेरा छूट गया, इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर, जब आप जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो ना, कितना पैसा दे रहे हो, 3850। क्या और कुछ भी दिया है? नहीं मैम और कुछ भी नहीं दिया है, जो भी दिया है वो किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से। टोटल कर लेते हैं 145, 27865, 2506 माइनस 14560 माइनस 34740 माइनस 3850, मेरा आ रहा है माइनस में 22634, 22634, ये किस में आ रहा है, माइनस में, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि इतना फर्दर कैश मेरा यूज हो गया किस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। अब बचा मेरे पास फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में देखो यहीं पे लिख रहे हैं हम, अगर हम बात करें बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, तो जितना भी पॉइंट इसमें बचा वो सब किसका है, फाइनेंसिंग का। पहला देखो प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल इन अरियर है, प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर कितना है, 2 पैसा आया।
फिर कह रहे हैं रिसीट ऑफ ग्रांट फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स, रिसीट्स, ग्रांट मिल रहा है किस चीज के लिए, कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए, तो बेसिकली ये पैसा हमें मिल रहा है ना मार्केट से, हाँ मैम ये पैसा हमें मिल रहा है, बैंक से लोन ले लेके गवर्नमेंट हमें पैसा दे रहा है। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहले ही बताए थे कि अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो कहाँ आएगा फाइनेंसिंग में, कितना है 25980, और ये सब प्रोसीड है, पैसा आया है। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये भी पैसा हमने रिसीव किया है 20575। और देखो कहीं कुछ भी दिया है, हाँ अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट भी तो है, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो इसमें मेरे को बताना था कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर का कितना था, 10,000 था, पर पे कितना किए 10,520, तो ड्यूरिंग द ईयर जो था वो तो हमने पीएल में एडजस्ट किया होगा, बट एक्चुअल में यहाँ से कितना माइनस करेंगे बेटा, जितना हमने कैश में पे किया है दैट इज इंटरेस्ट पेड, जो कि कितना दिया हुआ है 10,520। और कुछ दिया है नहीं मैम, एक बार आप टिक कर लोगे ना तो आपको दिखेगा कि सारी चीजें हो गई एक्सेप्ट एकदम ऊपर डिविडेंड पेड 8535। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सारी चीजें टिक करना सो दैट अगर कुछ स्किप होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इंटरेस्ट पेड कितना है बेटा 8535, क्लियर है, आ जाओ इस पे 2 + 12 = 25980 = 20575 - 10520 यानी 8535, इससे प्लस आएगा 27514, ये क्या हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से इतना कैश फ्लो हो रहा है, बाकी दोनों जगह तो कैश यूज्ड हुआ था। इसको नोट कर लो तो हम यहाँ पे बाकी का फर्दर पोर्शन यहाँ सॉल्व करेंगे। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करें बेटा आगे का, ज्यादा स्पेस तो मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और तीनों को ऐड करने पे देख लेते हैं प्लस आ रहा है कि माइनस, प्लस आना चाहिए 22634 + 2895, इसमें से माइनस कर दें 27514, तो मेरा आ रहा है 1985। ये क्या हो जाएगा नेट कैश इन, सॉरी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एकदम लास्ट में देखो ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस दिया और क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड क्या करेंगे बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि कितना दिया है 5003 ऐड कर देंगे तो मेरे पास आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि 6988 है, और देखो टोटल करने पे भी उतना ही आएगा, हो गया खत्म। इस तरह के क्वेश्चन में तो सबसे ज्यादा सिंपल है कि ना किसी तरह का कोई वर्किंग नोट बनाना है ना कुछ, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को इलस्ट्रेशन 12 करना है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो चारों क्वेश्चंस हैं ना बेटा, वो चारों के चारों अगर हम बात करें तो वो किस पे बेस्ड हैं, वो बेस्ड हैं पैटर्न नंबर 2 पे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चारों जो क्वेश्चंस हैं वो आप होमवर्क रखो, होमवर्क इन द सेंस कि आप उसकी सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना एक बार, और अगर उस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप बहुत ही ईजिली कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझसे पूछना, हम वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। एंड जो इलस्ट्रेशन 12 है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम अपना पैटर्न 3 स्टार्ट करेंगे ना, तो उस टाइम हम आप लोगों को इलस्ट्रेशन 12 करवाएंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग पैटर्न 3 एंड पैटर्न 4 सॉल्व करेंगे, क्लियर। आज का जो हमारा टॉपिक था बस इतना ही था, एक बार ये आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना, मेरी नेक्स्ट क्लास के पहले आप लोग करना क्या कि एक बार इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना, और जो हमने पूरा नोट्स बताया है उसको भी एक बार सेल्फ रिविजन दे देना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास
जब आप लोड करेंगे तो उसमें पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 सॉल्व करवा देंगे एंड देन पैटर्न 3 एंड पैटर्न 4 पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसमें अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना।